एक एनालॉजी आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुसीबतें सबसे ज्यादा होती हैं तभी इंसान जो इदारे सबसे सशक्त होते हैं वही उन आपदाओं से हमें बाहर निकालते हैं। एमरजेंसीज ब्रिंग अबाउट द हीरोज, ब्रिंग बिफोर अस द हीरोज। जो इदारे इस टाइम सरकारी हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते, चाहे वो कोविड का मरीज है या वो किसी का मरीज है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स ने पहले ही इमीडिएटली अपने आप को क्लोज डाउन किया, कोशिश की इससे बचने की। इसी तरीके से जो पावर सेक्टर का अगर किसी अभी कोविड की वजह से अगर पावर सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता और लोग बिल नहीं भर पा रहे होते, क्या वो 3 महीने बिना बिजली बिल भरे हुए बिजली सप्लाई कर पाते? और अगर वो सरकार से पैकेज की डिमांड करते, आज तक किसी भी सरकारी जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या किसी ने पैकेज की मांग नहीं की, लेकिन अपने कंज्यूमर्स को सर्व करता रहा। जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं वो प्रॉफिट सेंट्रिक। आपको अभी समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर जैसी यूनियन टेरिटरी या देश में कई ऐसे पोर्शन हैं जहां की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और ऐसे लोगों के लिए आप अगर बिजली को भी एक कमोडिटी की तरह बेचोगे, बिजली को अभी आप कमोडिटी नहीं समझ सकते, बिजली एक जरूरी चीज है एक कॉमन पर्सन के लिए जिसने की पहली दफा अभी लाइट देखी है सौभाग्य स्कीम के अंडर। जिस गांव में इस टाइम पे लाइट पहुंची है, अगर उसके घर के बाहर एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा आके उसको रोज बिजली के बिल के लिए 8 रुपए के हिसाब से उसको परेशान करे, उससे बेटर नहीं है कि सरकारी इदारा जो 3 रुपए के हिसाब से या 4 रुपए के हिसाब से अपने विदाउट प्रॉफिट, मैं कहता हूं कोई भी इदारा नो प्रॉफिट नो लॉस तक ही बेयर कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे जो सरकारी इदारा चाहे पीडीडी हो चाहे पीएचयू अगर इसको चलाया जाए तो ये देश के हित में है। अगर इसको भी कमोडिटी की तरह बेचा जाएगा जो जिस तरह से हम देख रहे हैं, उससे क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर जो कि बैकबोन है सप्लाई चेन का, जो कि बैकबोन है लास्ट मैन डिलीवरी का, आज आपके पास कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर गवर्नमेंट के पास ये पीडीएस सिस्टम नहीं होता तो कैसे वो भूखे पेट लोगों को खाना पहुंचा पाती? अगर ये भी आज हम किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिए होते, फेयर प्राइस शॉप्स नहीं होती, अगर वो राशन डिपो ना होते, इसी तरह जो पब्लिक का ये जैसे सरकारी इदारा होता है, कंप्लेंट सेंटर है इलेक्ट्रिक का, इसी तरह से इलेक्ट्रिक डिविजन है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। सवाल है मेरा कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स हैं वो सफाई कर्मचारी हैं उनका जीवन बीमा करवाया गया, आपको नहीं लगता कि इसी बीच इसी दौरान लॉकडाउन के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई उनका भी बीमा होना चाहिए? हमने अभी रिसेंटली हमारी एसोसिएशन ने ये मांग गवर्नमेंट के साथ रेज की है कि जैसे हमारे फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो AEs हो, AWs हो, JEs हो, लाइनमैन हो, नीड बेस्ड वर्कर हो, नीड बेस्ड वर्कर हमारा जो रात दिन काम कर रहा है और उसका कोई इंश्योरेंस नहीं, ये बहुत बड़ा मजाक किया है गवर्नमेंट ने। पावर सेक्टर को जिसको कि अम्ब्रेला बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, आपने सोशल मीडिया में पिक्चर्स देखे होंगे कि बिजली के बिना कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी रेलवे स्टेशन, कोई भी पब्लिक सर्विस की चीजें कामयाब नहीं है, लेकिन बिजली का ही जो कर्मचारी है उसको किसी ने इंश्योरेंस में नहीं लाया। ऐसे हालात में जैसे हमारा एक लाइनमैन पिछले हफ्ते जिसकी वजह से एक ऑफिस को पूरा सील कर दिया गया है नहर पे, कनाल रोड स्थित वो ऑफिस है, COVID-19 के तहत वो पॉजिटिव आया और वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए